हेलो गाइस, आज फिर एक नया ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को आईज बनाना सिखाऊंगी बहुत ही इजी वे से। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो सिंपल, अभी मैंने HB पेंसिल लिया है ड्रॉ करने के लिए। तो जो बिल्कुल बिगनर्स हैं उनके लिए है, देखिए जस्ट एक लाइन खींचिए आप सीधी, ठीक है, और जस्ट क्रॉस कर लीजिए इसको बीच में से, ठीक है, तरीके से थोड़ा सा थिक करके बता रही ताकि आप लोगों को क्लियर दिखे। इस तरीके से आप लाइन खींच लीजिए बिल्कुल इक्वल पार्ट में, ऊपर से नीचे तक ऐसा। अभी आपको क्या करना है, एक सर्कल बनाना है बीच में, एक सर्कल बीच में बनाना है उसके छोटा सा, ठीक है। देन आपको इसके ऊपर आईज ड्रॉ करना, तो इतना पार्ट ऊपर का छोड़ना है हमको, सेम पैटर्न यहाँ पर, जिसको भी नहीं बनाना आती है, बिल्कुल जो बिगनर्स हैं मैं उनकी टेक्निक्स बता रही हूँ, इसके बाद आगे का भी बताऊंगी। इसके बाद आप इसका एक्स्ट्रा पार्ट जो है वो आप रब कर लीजिए, पेंसिल से। देन इसके ऊपर हम एक और लाइन डालेंगे जो हमारी पलक की होती है, दिस वन, हल्का सा डिस्टेंस पर, ठीक है, और एक छोटा सा लाइन यहाँ पर कम गैप से, ऊपर का ज्यादा गैप से लेना है, नीचे का कम गैप से लेना है, ठीक है। देन एक यहाँ पर और इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गई हमारी आईज ड्रॉ। अब इसमें हम स्केचिंग करेंगे। स्केचिंग करने के लिए सबसे पेपर, पहले मैंने सैंड पेपर लिया है, सैंड पेपर पे मैंने चारकोल पेंसिल को रफ कर लिया है, डस्ट मिल गई है हमको। इसके बाद हम कोई भी एक ब्लेंडिंग टूल लेंगे, मैं यहाँ पर ब्रश यूज कर रही हूँ, ये देखिए छोटा वाला है, मेकअप ब्रश है, इसको स्प्रेड करने के लिए। तो ये डस्ट मैं ले रही हूँ ब्रश में, ठीक है। अभी देखिए आप, इसके ऊपर मैं हल्का हल्का स्मच करूंगी, ये ब्रश से बहुत ही अच्छे से स्प्रेड होता है। इसके बाद ऊपर वाली लाइन में हल्का सा सर्कल फॉर्म में चलाएंगे ब्रश को, लाइक दैट, ठीक है। इसके बाद यहाँ और हल्का सा इसके अंदर वाले पार्ट में भी। अभी हम लेंगे डबल ई, रूना स्टेडलर की डबल ई पेंसिल है, और इसको हम डार्क करेंगे इस वाली लाइन को, और चलिए इसके ऊपर वाली लाइन भी हम डार्क करेंगे। और पेंसिल को इस तरीके से ही शार्प करना है, इतना लंबा पॉइंट हमको पॉइंटेड चाहिए, ठीक है। इसके बाद ये जो नीचे की लाइन है, अभी ये जो आईबॉल की लाइन है इसको भी हम डार्क करेंगे, और बीच का आईबॉल जो है इस तरीके से पहले हम व्हाइट छोड़ देंगे, और ये वाला पार्ट पूरा डार्क कर देंगे। अब आई
आईबॉल के अंदर शेडिंग करेंगे, उसके लिए मैं सबसे छोटा 0 नंबर का स्टंप यूज कर रही हूँ। तो इसको मैं फैला रही हूँ, देखिए शेड को। ऊपर की साइड डार्क होएगा, नीचे की साइड लाइट होगा। अभी ऊपर और थोड़ा सा स्मज करेंगे हम। अभी नीचे की साइड भी। इतना दूर छोड़ के करना है हमको। अभी इसके कॉर्नर में यहाँ भी स्टंप का यूज करेंगे। जस्ट छोटा छोटा सा डॉट देके ये कॉर्नर वाइट छोड़ रही हूँ, है ना। इस तरीके से यहाँ थोड़ा सा और डार्क करके फैलाऊंगी। ये बहुत इजी तरीका है जो मैं आपको बता रही हूँ। इस तरीके से आप लोग आईज बना सकते हो। कैसे ड्रॉ करना है स्टार्टिंग मैंने बताया आपको, बहुत इजी पैटर्न है। इसको थोड़ा सा थिक दे रही हूँ मैं लाइन को, ठीक है। अभी मैं जेल पेन का यूज कर रही हूँ यहाँ कॉर्नर में वाइट देने के लिए, और यहाँ पर भी थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए भी मैं जेल पेन का ही यूज कर रही हूँ, ठीक है। अभी हम आईलेसेस बनाएंगे। आईलेसेस कैसे बनाना, पहले हम बीच का पार्ट बनाएंगे, ठीक है। फिर देन यहां से ही नीचे की साइड उतरेंगे। हल्का सा कर्व करना है, कभी भी ऐसे स्ट्रेट लाइन ऐसे नहीं खींचना है, हल्का सा कर्व। इस साइड की इस साइड झुकी होंगी। बाद में नीचे की साइड से थोड़ा सा थिकनेस देना है, इसलिए पेंसिल को हमेशा शार्प करके रखना है। ये बिल्कुल ध्यान रखना, पॉइंटेड होना चाहिए आपकी पेंसिल। चलिए हम नीचे के आईलेसेस बनाएंगे, सेम पैटर्न बीच से ही स्टार्ट करेंगे। कभी भी जैसे आप ऐसे कॉर्नर से स्टार्ट मत करो, मिडिल पोर्शन से करोगे तो इजी गोइंग इतना पार्ट और इतना पार्ट आप कवर कर पाओगे। देखिए कितने इजी वे में एक सिंपल आई आपने बना ली, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग आई बना सकते हो। और यदि आपको ये आईज का ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो भी न्यू है, इसी तरह के ट्यूटोरियल आपको सीखने मिलते रहेंगे। ओके, बाय ऑल ऑफ यू।